सो गाइस, पिछले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉमिक्स में गॉर को हराने में तीन थॉर को मिलकर लड़ना पड़ा था, और शायद से लव एंड थंडर में हमें तीन थॉर के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। और सबका सवाल ये भी है कि वो तीसरा थॉर कौन होगा। तो मुझे लगता है कि वो तीसरा बीटा रॉयबिल होगा, जो कि बहुत ही पावरफुल बींग है, और कॉमिक्स में वो थॉर को एक बार पेल भी चुका है, यानी कि उसने थॉर के हैमर को भी उठा लिया था। अब बीटा रॉयबिल के मूवी में आने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि बीटा रॉयबिल का रेफरेंस हमें थॉर रैग्नारॉक में पहले भी देखने को मिल चुका है। आपको याद होगा जब ग्रैंड मास्टर का वो चैंपियनशिप वाला टावर दिखाया जाता है तो उसमें स्टैचू बीटा रॉयबिल का भी होता है। इसका मतलब कि ये बीटा रॉयबिल एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। और मार्वल वाले ट्रेलर में कितना कुछ गायब कर देते हैं वो सब आप तो जानते ही है, क्योंकि आपने पहले भी नो वे होम का ट्रेलर देख चुका है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीटा रॉयबिल लव एंड थंडर में अपीयर हो सकता है। अब गाइस, ये सब तो कुछ ही दिनों में पता ही चल जाना है, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही खतरनाक वाली वीडियोस।